प्रश्न सुनिए। आप बाबा तुलसीदास जी की लेखनी के आधार पर यह बताइए कि सुख में प्रसन्न और दुख में रोना यह तो किनका काम है, किंतु दोनों में समान है, वे मन में क्या रखते हैं, यह बात किसने किससे कहा? प्रसंग वालों से आप बाबा तुलसीदास जी की लेखनी के आधार पर यह बताइए कि सुख में प्रसन्न और दुख में रोना यह तो किनका काम है, किंतु दोनों में समान है, वे मन में क्या रखते हैं, यह बात किसने किससे कहा? ठीक है, दूसरा प्रश्न देवी भागवत पुराण से प्रश्न क्रमांक दो। प्रश्न क्रमांक दो, आप देवी भागवत पुराण के आधार पर बताइए कि अतः देवी भागवत सर्वोत्तम पुराण माना जाता है, किस किस की प्राप्ति के लिए यह सर्वोपरि साधन है? देवी भागवत पुराण के आधार पर बताइए कि अतः देवी भागवत सर्वोत्तम पुराण माना जाता है, किस किस की प्राप्ति के लिए यह सर्वोपरि साधन है? ठीक है, आपका समय चालू होता है अब। Thank you.
कि मैया मैया सब कहे, मैया सब लोग धान, और जिस घर में मैया न होंगे बेला है। आज एकादशी का दिन है, इसी तिथि में माता तुलसी का विहार संग चूर के साथ हुआ था। वह पारंपरिक प्रतिभा आज भी चली जा रही है और नित चलते रहेगी। उसी माँ तुलसी के पावन मेला पर हम सर्वप्रथम माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हैं और अन्य सुध पवन सुध को भी नमन करते हैं। हमारे मंजर सिंह सभी निर्णायक महतों को भी नमन करते हैं और दूर दराज से आए हुए सभी मंडल को, देवी को सब सादर नमन करते हैं। आज हमें हमारी शिव शक्ति रस मंडल को यह रामचरित मानस से प्रश्न मिला है। आप बाबा तुलसी दास जी की लेखनी के आधार पर यह बताइए कि सुख में प्रसन्न और दुख में रोना यह तो किसका काम है, किंतु दोनों में समान है, वे मन में क्या रखते हैं, यह बात किसने किसने कही। हाँ तो मेरे भाइयों, तुलसीदास ने बड़े सुंदर ढंग से लिखा है, सुख में प्रसन्न और दुख में रोना यह तो मूर्खों का काम है, किंतु दोनों में समान है, वे मन में धैर्य रखते हैं। यह बात मंत्री ने राजा दशरथ से कहा था, यह प्रश्न का उत्तर है। अब आगे जस की जरूरी बोलो बड़े बजरंगबली महाराज की। बोलो जैसी Thank you.
Thank you.